कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो. फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक. मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना. टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर. चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है. आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक. तो आज हम बनाने वाले हैं वॉइस कंट्रोल्ड कार, जिसे हम लोग वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं. फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड. तो आपने देखा कि ये वॉइस कमांड पर काम कर रही है. तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना इसे. तो हमें चाहिए होगा एक आर्डिनो नैनो, एक मोटर ड्राइवर, जो यहाँ पर मैं L293D जो IC होती है उसका एक मोटर ड्राइवर यूज़ कराऊँ. आप चाहे तो कोई और मोटर ड्राइवर भी यूज़ कर सकते हो. तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे मोटर को पावर सप्लाई देने के लिए. और यहाँ पर मोटर 1 और 2 दिया गया है आउटपुट, और दूसरी साइड इनपुट है. ठीक है, तो आउटपुट में हम लोग मोटर लगाएंगे और इनपुट में आर्डिनो से डेटा देंगे. तो ये है हमारा मोटर ड्राइवर बोर्ड, और ये है हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसकी मैंने डिटेल पूरी अपने पिछले वीडियो में दी थी, जिसे हम लोग मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी कार को. और कुछ कनेक्टर और एक जनरल पर्पस PCB बोर्ड, और हमें चाहिए होगी 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्टर के साथ. और यहाँ पर मैं 2 12 वोल्ट की मोटर का यूज़ कर रहा हूँ. अगर आप चाहो तो कोई 5 वोल्ट की मोटर का भी यूज़ कर सकते हो. तो ये गियर मोटर है. तो यहाँ पर मैं अपने कार का बेस बनाने के लिए मेटल की शीट का यूज़ कर रहा हूँ. अगर आप चाहो तो कार्डबोर्ड या तो फिर PVC शीट का भी यूज़ कर सकते हो. तो इसे हम हमारी कार का बेस बनाएंगे. और हमें चाहिए होंगे 4 व्हील्स और कुछ कनेक्टर्स, जो हमारी मेटल सीट्स को एक दूसरे से जॉइंट करेंगे, और कुछ स्क्रू. और हमें चाहिए होंगे 2 कनेक्टर्स, जो कि हमारे 2 व्हील्स के साथ कनेक्ट होंगे, जिसके साथ मोटर कनेक्ट नहीं होगी, तो ये फ्रीली मूव कर पाएंगे. तो चलिए अभी इन सबको जॉइंट करते हैं. तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है इन सब चीज़ को. तो अभी हमारा फ्रेम रेडी हो गया है. अभी इस पर बेस लगा देते हैं हमारा कुछ इस तरह से. तो ये हमारी कार का बेस यहाँ पर रेडी हो चुका है. तो चलिए अभी सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले, और फिर इसमें लगाएंगे हमारी सर्किट. तो यहाँ पर हमें सर्किट बनाने के लिए जनरल पर्पस PCB बोर्ड में कनेक्टर लगा देना है, जो हमारे आर्डिनो और ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट हो सके. तो हमें इन्हें शोल्डर कर देना है, और हमें ब्लूटूथ मॉड्यूल को आर्डिनो से कनेक्ट करने के लिए 4 कनेक्शन करने होंगे, ग्राउंड, VCC, TX और RX. तो इसकी डिटेल आपको डायग्राम में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप देख सकते हैं. तो अभी हम D2 और D3 पिन के साथ यहाँ पर 2 वायर कनेक्ट करेंगे, और इस उसी तरह से D4 और D5 के साथ भी, जिससे हम लोग हमारे मोटर ड्राइवर को इनपुट सिग्नल देंगे, जिससे हमारी मोटर कंट्रोल होगी. तो ये हो गया इनपुट हमारे मोटर ड्राइवर के लिए. तो चलिए अभी मोटर ड्राइवर में कनेक्शन कर लेते हैं. तो यहाँ पर लिखा है M1 इन, मतलब मोटर 1 के लिए इनपुट और मोटर 2 के लिए इनपुट. तो इन दोनों के लिए इनपुट है. तो हमारे आर्डिनो में जो D2 और D3 पिन है उन्हें कनेक्ट कर देता हूँ मोटर 1 में, और 4 और 5 है उन्हें मोटर 2 के साथ. तो ये हमारी मोटर को इनपुट मिल गया. तो अभी हमारी मोटर कनेक्ट करते हैं आउटपुट में.
तो ये मोटर ड्राइवर होगा, इन दोनों मोटर को कंट्रोल करेगा आर्डिनो के कमांड के हिसाब से। तो यहाँ पर मोटर वन के आउटपुट में मैं यहाँ पर एक मोटर कनेक्ट कर देता हूँ, और उसी तरह से जो हमारी दूसरी मोटर है उसको मोटर टू के आउटपुट में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी दूसरी मोटर को भी कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन हो चुका है इतना। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी मोटर को पावर देने के लिए यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी का यूज़ करेंगे, जो हमारे मोटर ड्राइवर में दिया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव उनके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पोलैरिटी उल्टी ना हो जाए, इसे पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट करना है। तो इससे हमारी मोटर को तो पावर सप्लाई मिल गया है, तो अभी हम लोग आर्डिनो को भी पावर देना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक मैं कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, और एक जो हमें वी इन और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, वी इन में पॉजिटिव और ग्राउंड में नेगेटिव। तो यहाँ पर एक इनबिल्ट वोल्टेज रेगुलेटर लगा होता है जो 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके आर्डिनो को दे देगा। तो यहाँ पर हमारी सर्किट है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो एक बैटरी लगी हुई है वो हमारे आर्डिनो को पावर देगी, और जो दूसरी बैटरी है वो हमारे दोनों मोटर को पावर देगी, ठीक है। तो चलो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्डिनो के प्रोजेक्ट बनाना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए भी कोडिंग की ओर बढ़ते हैं। तो हमें आर्डिनो आईडी ऐप को ओपन कर लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल कोड है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पिन हमने डिफ़ाइन की है 2, 3, 4 और 5, जिसे हमें आउटपुट की तरह यूज़ करना है वो डिफ़ाइन कर दिया। और फिर सबसे पहले वो होगी, वो चारों लो कंडीशन में रहेगी, वो लिख दिया। फिर यहाँ पर हमने चेक किया कि कोई डेटा रिसीव हो रहा है ब्लूटूथ मॉड्यूल को या नहीं। और फिर उसके बाद हमने 5 फंक्शन डिफ़ाइन किए हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ़्ट और स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर 5 यूज़र डिफाइन फंक्शन यूज़ कर दिया है। यहाँ पर हमने 5ों फंक्शन में लिख दिया है कि हमारी कौन से फंक्शन में हमारी मोटर होगी वो ऑन रहेगी, और कौन से फंक्शन में हमारी मोटर होगी ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर बस हमें 5 फंक्शन ही लिखना है जिसके थ्रू हमारा वॉइस कमांड होगा वो रिसीव होगा ब्लूटूथ के थ्रू, और हमारी कार होगी वो काम करेगी, ठीक है। तो हमें इसे कंपाइल कर देना है। तो कंपाइलेशन फिनिश आ चुका है मैसेज, और फिर हमें USB के थ्रू इसे अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको अपलोड का बटन दिख रहा होगा, तो इसे अपलोड कर देना है, ठीक है। तो अपलोड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारा बेस जो कार का उसमें हमारी सर्किट को लगा देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मोटर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसे यहाँ पर लगाने के लिए मैं एक नट का यूज़ कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर मोटर कनेक्ट कर देते हैं। उसी तरह से दूसरी मोटर को भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हमारी दूसरी मोटर भी यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है, और अब यहाँ पर मैं डबल टेप की हेल्प से हमारी सर्किट को लगा दूँगा बेस पर, जिससे क्या होगा कि हमारे कनेक्शन होंगे वो सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी सर्किट है वो फिक्स हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमारे फ्री व्हील जो होंगे उसके लिए जो कनेक्टर लगेगा उसे लगा लेते हैं अभी। तो इसे भी मोटर की तरह ही लगाना है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर फिक्स हो चुका है। उसी तरह से दूसरी साइड भी, तो ये कनेक्टर लग चुका है जो हमारे फ्री व्हील को कनेक्ट करेगा। तो चलिए अभी व्हील लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 2 व्हील होंगे वो मोटर के साथ लगेंगे, और बाकी के 2 व्हील होंगे वो होंगे फ्री व्हील। तो इसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। उसी तरह से हम दूसरा व्हील भी लगा देते हैं दूसरी मोटर के साथ। तो ये यहाँ पर लगा दिया है हमने, और स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे भी फिक्स कर देते हैं ताकि ये निकले नहीं। तो चलिए अभी फ्री व्हील को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से लगा देना है फ्री व्हील को। तो ये लग जाने के बाद हमें यहाँ पर एक लॉक चाहिए होगा ताकि ये व्हील निकल ना जाए। तो यहाँ पर इस लॉक को हम लगा देंगे कुछ इस तरह से, और दूसरी तरफ भी उसी तरह से हम एक लॉक को लगा देंगे ताकि ये व्हील होगा वो बाहर ना जाए। तो इतना हो जाने के बाद हमारी जो कार है वो रेडी हो चुकी है। तो अभी हमें सिर्फ बैटरी लगानी है, और इस पर हमें कवर लगा देना है। तो ये हमारी कार रेडी हो चुकी है। तो अभी इसे कंट्रोल करने के लिए हमें एक ऐप चाहिए होगी,
जिसका नाम है आर्डिनो ब्लूटूथ कंट्रोलर, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए मैंने। तो यहाँ पर हमें वॉइस कंट्रोल में जाना है और यहाँ पर आप जो चाहो वो कमांड सेंड कर सकते हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट। तो चलिए अभी हमारी कार को कमांड देकर देखते हैं। फॉरवर्ड, बैकवर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।